दोस्तों इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन का मुकाबला भले ही साउथ अफ्रीका ने जीत लिया हो, लेकिन भारतीय लड़कियों ने आज अपनी छाप छोड़ दी। उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं। पहले बैटिंग करते हुए भारत की ओर से स्मृति मंदाना ने 84 गेंदों में 71 रन बनाए, 6 चौके और 1 छक्का जड़ा। शेफाली वर्मा ने भी पट्टी जड़ी, उन्होंने 46 गेंदों में 53 रन बनाए, 8 चौके जड़े। मिताली राज ने भी 50 कप्तानी पारी खेली, उन्होंने 84 गेंदों में 68 रन बनाए व 8 चौके जड़े। हरमनप्रीत कौर ने भी 57 गेंदों में 48 रन बनाए व 4 चौके जड़े। साउथ अफ्रीका की ओर से स्मिथ ने 2 विकेट लिए, कैलस ने भी 2 विकेट लिए, टेलर ने भी 1 विकेट लिया और कहा ने भी 1 विकेट लिया। दूसरी पारी में जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही थी तो एल बोकवाट ने 69 गेंदों में 80 रन की पारी खेली व 11 चौके की जड़ी। लुइस ने भी 22 रन की पारी खेली। गोडल ने भी 69 बॉलों में 49 रनों की पारी खेली, उन्होंने भी 4 चौके जड़े। अंत में एम टू प्रीज ने 63 गेंदों में 52 रन बनाकर भारतीय टीम से जीत छटक ली। केप ने भी 30 गेंदों में 32 रन बनाए। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट गैरवाल ने 2 विकेट लिए, हरमनप्रीत कौर ने भी 2 विकेट लिए। इस मैच में भले ही भारतीय लड़कियां मैच हार गई हों, लेकिन उन्होंने आज सबका दिल जीत लिया। भारतीय लड़कियों ने 50 ओवर में 274 रन बनाए, 7 विकेट गवा गए। साउथ अफ्रीका की लड़कियों ने भी 50 ओवर में 275 रन बनाए, 7 विकेट गवा गए। भारत ने वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा रन खड़ा किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की लड़कियों ने वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे बड़ा रन स्कोर चेज कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच में डुप्लेसी सही, जिन्होंने 63 गेंदों में 52 रन बनाए और भारत से उसकी हार को अपने हाथों में छिटक लिया। तो आप हमें बताइए कि आपको भारत ये मैच कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस मैच में एक फैंस मैदान में झंडा लहराते हुए भी देखा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। भारतीय लड़कियों के लिए 1 लाइक तो बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।